हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के दौरान होने वाली प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम लोगों के साथ हो रही है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम इस बात की है दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स की कम रैंक है, लो रैंक के स्टूडेंट हैं, जिनकी 20,000 के ऊपर रैंक है, 25,000 के ऊपर रैंक है, वो क्या करें स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट्स क्या करें? टॉप कॉलेज मिलेगा या नहीं? एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं? एक अच्छी ब्रांच मिलेगी या नहीं? इन सब के बारे में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जितनी रैंक है उनसे कहीं वो बहुत पीछे हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इन सब वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उस अवस्था से अगर गुजर चुके हैं तो उसके साथ मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स की 10,000 के अंदर रैंक है। जिन स्टूडेंट्स की 10,000 के अंदर रैंक है, डिप्लोमा में इतनी भीड़ नहीं है, इतनी पॉलिटेक्निक की भीड़ नहीं है, उनका इजीली टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाना है, बेफिक्र होकर हो जाना है एक अच्छी ब्रांच में। क्योंकि अब डिप्लोमा कोई इतना करना नहीं चाहता, इतना क्रेज रह नहीं गया है। कोई करना भी चाहता है तो एक टॉप सरकारी कॉलेज से कर करके निकल जाना चाहता है। अब ये लो लेवल के कॉलेज से भी कोई करना नहीं चाहता। ठीक है फ्रेंड्स, जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग भी इस अवस्था से गुजर रहे हैं। हमें पता है कि डिप्लोमा का कितना क्रेज़ है, बट कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इन सब बातों को अलग रखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। जिन स्टूडेंट की 10,000 के अंदर है, उनका तो टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना ही होना है। ठीक, अब बात करते हैं 10,000 से 20,000 के बीच वाले। 10,000 से 20,000 के बीच वाले, आशा करते हैं 25,000 के ऊपर वाले ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली बातों को समझेंगे तो अच्छा मज़ा आएगा। अब 10,000 से 20,000 वालों को क्या होगा कि जो टॉप 20 के कॉलेज होते हैं, या टॉप 5 से 20 के बीच का जो कॉलेज होता है, या लो ब्रांच हाई ब्रांच के साथ साथ टॉप 20 तक ये 20,000 से 25,000 वाले कवर कर लेते हैं। बात समझ आई दोस्तों? ये कवर कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनकी 25,000 के ऊपर है, वो क्या करेंगे? तो दोस्तों, मैंने लिस्ट बना दी है 75 से 100 नंबर के बीच में जितने स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन कॉलेजों को सेलेक्ट कीजिए दोस्तों, 100% कॉलेज मिलेगा। क्योंकि इस बार जो जिन मेरी जैसे मान लीजिए अगर 200 नंबर थे और मेरे अगर 10,000 रैंक आए थे, तो इस बार जिनके 200 नंबर आए हैं उनके 5,000 रैंक आए, तो बहुत बड़ा अंतर हुआ है दोस्तों इस बार जी का पॉलिटेक्निक के दौरान। तो इस बार टॉप सरकारी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेज हैं। अब और बात करते हैं, आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज सेलेक्ट करना है उनकी 2-3 ब्रांचेज को सेलेक्ट करना है। जैसे इलेक्ट्रिकल चूज कर लो, मैकेनिकल चूज कर लो, और भी जो चूज करना है उन्हें चूज कर लो, और ढेर सारी ब्रांचेज और ढेर सारे कॉलेजों को फिलअप कीजिए, और सरकारी कॉलेज को ही फिलअप कीजिए, अच्छे लोकेशन में अपने इर्द गिर्द के कॉलेज को फिलअप कीजिए। आशा करते हैं समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि अब उतनी भीड़ नहीं रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है, बट आपको पेशेंस रखना होगा और अच्छे का सरकारी कॉलेज को फिलअप करना होगा। तो इस तरीके से आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन बेफिक्र होकर पाएंगे, बट इतना ही करना होगा दोस्तों, आपको बहुतायत कॉलेज फिलअप करना होगा और बहुतायत ब्रांचेज फिलअप करनी होगी। आपको एक बेहतरीन सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, ये गारंटी हमारी है दोस्तों। और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ से आप लिस्ट लीजिए और उसको फिलअप कर दीजिए। आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, जिस दिन आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।